तो भारत और रूस की यारी अब दुनिया पर भारी पड़ना शुरू हो चुकी है, क्योंकि भारत और रूस दिन पर दिन साथ मिलकर कुछ ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे शक्तिशाली देशों की नींद उड़ चुकी है। दरअसल हाल ही में रूस की तरफ से भारत के लिए एक ऐसा ऐलान किया जा चुका है जिससे भारत को डिफेंस सेक्टर में एक नई जान मिलने जा रही है। और अभी तक भारत को राफेल और F-35 जैसे फाइटर जेट खरीदने के लिए अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों के सामने जो हाथ फैलाना पड़ रहा था, उसकी निर्भरता पूरी तरह से खत्म होने जा रही है। क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की मॉस्को में मुलाकात के दौरान यह खबर आई है कि दोनों देश साथ मिलकर सुखोई 30, जो एक ताकतवर फाइटर जेट है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में करने जा रहे हैं। यानी कि भारत एक तरफ जहां 26 राफेल फ्रांस से खरीदने के लिए पिछले कई महीनों से बातचीत कर रहा है, लेकिन फ्रांस इसकी दोगुनी कीमत मांग रहा है, वहीं रूस की तरफ से भारत को बहुत बड़ा तोहफा दिया जा चुका है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नासिक में मौजूद हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैक्ट्री में रूस के यह सुखोई 30 फाइटर जेट अब भारत में खुद ही बनाए जाएंगे। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, भारत को जो फाइटर जेट की जरूरत थी, वही फाइटर जेट अब भारत में बनने जा रहा है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस गए हुए थे, जहां दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी के साथ साथ डिफेंस सेक्टर को भी लेकर कई एग्रीमेंट किए गए हैं। लेकिन डिफेंस सेक्टर को लेकर एक ऐसी खबर आ रही है जिसने शक्तिशाली देशों की नींद उड़ा कर रख दिया है। देखिए, इस बात में दो राय नहीं है कि भारत इस समय अपने डिफेंस सेक्टर को खुद तो मजबूत कर ही रहा है, साथ ही डिफेंस का एक्सपोर्ट भी दूसरे देशों में तेजी के साथ बढ़ा रहा है, ताकि भारत की डिफेंस सिक्योरिटी बढ़ने के साथ साथ भारत की इकोनॉमी मजबूत होती रहे। और इसका अंदाजा सभी देशवासियों को तभी पता चल गया जब कुछ दिन पहले इंडियन डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से डिफेंस प्रोडक्शन आंकड़े को लेकर नया खुलासा किया गया था, जिसमें भारत के डिफेंस प्रोडक्शन ने पिछले कई सालों के रिकॉर्ड को तोड़कर एक साल में लगभग 1,26,000 करोड़ रुपए के डिफेंस का प्रोडक्शन किया है। और इसी बीच भारत और रूस के बीच एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप हो चुकी है, जिसमें रूस का जो सुखोई 30 फाइटर जेट है वह भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। वैसे देखा जाए तो यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत है कि रूस का ऐसा फाइटर जेट भारत में मैन्युफैक्चर होने की शुरुआत होने जा रही है, जो कि दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट में गिना जाता है। और वह भी रूस ने भारत के साथ इस तरीके की पार्टनरशिप को ऐसे समय पर किया है जब भारत पहले से ही अपनी इंडियन नेवी में फाइटर जेट को शामिल करने के लिए अलग अलग देश में मौका तलाश रहा है। लेकिन फ्रांस जैसे देश भारत को राफेल फाइटर जेट देने के लिए दोगुनी कीमत वसूलने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल भारत और रूस ने दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट में से गिने जाने वाले सुखोई 30 के लिए पार्टनरशिप करके इन देशों के मुंह पर उल्टा तमाचा जड़ दिया है, और भारत की इस पार्टनरशिप को लेकर पश्चिमी देश बौखलाए हुए घूम रहे हैं। क्योंकि सुखोई 30 एक ऐसा फाइटर जेट है जिसका इस्तेमाल दुनिया भर के कई देशों की सेना इस समय कर रही है, और अभी तक सुखोई 30 फाइटर जेट की जो सप्लाई है वह रूस के द्वारा की जा रही थी, लेकिन पिछले 2 सालों से रूस में युद्ध का माहौल है, इसलिए रूस दूसरे देशों में सुखोई 30 जैसे फाइटर जेट को नहीं भेज पा रहा है, और भारत ने ऑलरेडी 21 की संख्या में सुखोई 30 फाइटर जेट बनाने का आर्डर रूस को दिया है। लेकिन रूस खुद युद्ध में लिपटे होने के कारण भारत को इसकी सप्लाई नहीं कर पा रहा है। इसीलिए जब इस बार पीएम मोदी जी रूस के प्रेसिडेंट से मिलते हैं तो दोनों देश में विचार विमर्श होता है कि क्यों ना इन फाइटर जेट को रूस की टेक्नोलॉजी लेकर भारतीय फैक्ट्री में ही मैन्युफैक्चर और डेवलप किया जाए। और अच्छी बात यह है कि इस पर रूस की सुखोई फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी और भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में पार्टनरशिप फाइनल हो चुकी है। आपको बता दें कि ये फाइटर जेट भारत में बनाकर न सिर्फ भारत में इस्तेमाल किए जाएंगे, बल्कि दुनिया भर में भेजे जाएंगे।
क्योंकि सुखोई SU-30 फाइटर जेट दुनिया भर के कई देशों की वायुसेना इस्तेमाल करती है और खास तौर से मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, एशिया और अमेरिका जैसे देश इसमें शामिल है। लेकिन जब रूस की सुखोई फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी भारत समेत इन देशों को सुखोई SU-30 जैसे फाइटर जेट्स की सप्लाई नहीं कर पा रही है, तो यह भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गया है और भारत में इसकी मैन्युफैक्चरिंग करके दूसरे देशों में सप्लाई करने से न सिर्फ रूस का फायदा होगा बल्कि उससे कहीं गुना ज्यादा भारत का फायदा होने जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नासिक में मौजूद हिंदुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड की इसी फैक्ट्री में पहले MiG-21 फाइटर जेट्स बनाए जाते थे, जो कि रूस की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फर्म द्वारा ही डिजाइन किए गए हैं। इसलिए भारत के इस फैक्ट्री में रूस के सुखोई SU-30 को मैन्युफैक्चर करना उतना भी ज्यादा कठिन काम नहीं होने वाला है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ऐसे रिसोर्स पहले से ही मौजूद है जिन्हें सुखोई SU-30 को बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। सुखोई फाइटर जेट को दुनिया के सबसे ताकतवर फाइटर जेट में इसलिए गिना जाता है क्योंकि यह एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो हवा से जमीन और हवा से हवा में एक साथ युद्ध लड़ सकता है। यह तेज और धीमी गति के साथ हवा में कलाबाजियां खाते हुए दुश्मन को धोखा देते हुए उन पर हमला कर सकता है। और इस फाइटर जेट की एक ऐसी खास बात है जो इसे सबसे अलग बनाती है, वह है इसकी फायरेबिलिटी, क्योंकि यह एक मिनट में 150 राउंड फायर करती है। यानी कि इसमें वह कैपेबिलिटी है जिससे दुश्मन का विमान, ड्रोन या फिर हेलीकॉप्टर का किसी भी सिचुएशन में बच पाना बहुत ही मुश्किल है। और इसके कुछ एडवांस फीचर की बात करें तो यह कुल 8,130 किलोग्राम वजन का हथियार उठा सकता है, यहाँ तक कि इसमें ब्रह्मोस मिसाइलें भी तैनात हो सकती हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सुखोई फाइटर जेट भारत के लिए डबल अपॉर्चुनिटी लेकर आया है, क्योंकि भारत में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होने से भारत को इससे तो फायदा होगा ही, वहीं दूसरी तरफ इसी के सहारे दुनिया की जो सबसे ताकतवर ब्रह्मोस मिसाइल भारत में बनाई जाती है उसका मार्केट भी और ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि जो फाइटर जेट पहले से ही इतना ज्यादा ताकतवर है, अगर उसमें दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल ब्रह्मोस को डिप्लॉय कर दिया जाएगा तो उसकी डिमांड कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है। यानी कि अब वह समय आ गया है जब भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट फिर से एक बार रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। और ऑलरेडी जिस तरह से भारत को अफ्रीका और अमेरिकी देशों से डिफेंस हथियारों को खरीदने के लिए आर्डर मिल रहे हैं, इससे भारत को डिफेंस एक्सपोर्ट हब बनने से कोई भी देश नहीं रोक सकता। बाकी आपको क्या लगता है कि सुखोई SU-30 भारत में मैन्युफैक्चर होने से भारत के फाइटर जेट का एक्सपोर्ट दूसरे देश में बढ़ पाएगा या नहीं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें।